Hello, दोस्तों, this is Vishakha Daga coming up with next round of News Simplified. Now, recently, Houthis have claimed to have attacked on UAE, और जिसके वजह से काफी सारी जो यमन के जो मैप है वो न्यूज में आ चुका है. तो आज के वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले कि Houthis हैं कौन एंड वाई आर दे अटैकिंग UAE, जिसकी वजह से हम रीजनल इक्वेशंस भी जानेंगे, साथ में हम जानेंगे मैप एक्सरसाइजेस यमन की, और उसके साथ इंडिया के दो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन हैं, ऑपरेशन राहत एंड निस्तार, वो हम डिस्कस करेंगे कि क्यों वो हुए थे. चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं. सबसे पहले जाने तो ये न्यूज में क्यों आया, इट बिकॉज रिसेंटली अ ड्रोन अटैक हुआ था आपका UAE में, एंड द Houthis विच आर सिया कम्युनिटीज इन द यमन, दे क्लेम द ओनरशिप ऑफ द अटैक, दे हैव डन दैट. And this is not the first time. Even a ballistic missile attack भी हुआ था रियाद सऊदी अरेबिया में, उसमें भी कहते हैं कि Houthis का ही हाथ था. तो Houthis ऐसी कौन सी बला है जो कि UAE पे तो अटैक कर चुकी है, सऊदी पे भी कर चुकी है, एंड व्हाट आर द रीजंस कि ये कर रही है. तो अगर Houthis को जानना हो तो पहले थोड़ी सी यमन की हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा, या फिर वहां की रीजनल इक्वेशन जाननी पड़ेगी. चलिए देखते हैं. यमन को देखा जाए तो यमन में मेजॉरिटी पॉपुलेशन आपकी थोड़ी सियास की है, और एक सिया कम्युनिटीज में भी आपके ज़ाइदीस आते हैं, या फिर जिनको Houthis भी कहते हैं, राइट? ये आपकी मेजॉरिटी कम्युनिटी आती है. नाउ दीस ज़ाइदीस वर बेसिकली, ये इनसे इन्फ्लुएंस हुए थे 1979 के ईरानियन रिवोल्यूशन से. जब 1979 में ईरान में रिवोल्यूशन हुआ तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे आपके रिवाइवल ग्रुप भी बन चुके थे, जैसे एक है हिजबुल्ला. हिजबुल्ला जो कि लेबनन में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये आपकी ईरान की हेल्प, मतलब ईरान में, ईरान को काफी सपोर्ट प्रोवाइड करता है. इस तरीके से ईरान ने क्या कर रखे हैं, अपने थोड़े थोड़े से रिवोल्यूशनरी जो ग्रुप है वो दूसरी कंट्रीज में फैला रखे, जिसकी वजह से ईरान के पास एक सॉफ्ट एंड हार्ड पावर बनी रहती है, एक एसेट उनके पास रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी पावर एक्सरसाइज करते रहते हैं. तो अगर देखा जाए तो जो Houthis है वो थोड़े हिजबुल्ला जैसे ही है, जिससे ईरान का इन्फ्लुएंस यमन में बना रहता है, बिकॉज ईरान इटसेल्फ एक सिया मेजोरिटी कंट्री है, और जो आपके Houthis है वो भी सिया मेजोरिटी कंट्री है. तो ये रिबेल के फॉर्म में उस टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं 1990s के आसपास. हाउएवर व्हाट हैपेंड, 2004 में यमन की जो पॉपुलर जो गवर्नमेंट थी, अली अब्दुल्ला सलेह के अगेंस्ट काफी करप्शन चार्जेस पड़ने लगे. उस करप्शन चार्जेस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए तो Houthis भी मेजोरिटी में उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है. एंड फाइनली द रिजल्ट इज कि जो ये जो कि सालेह जो गवर्नमेंट थी वो Houthis को सप्रेस करने की कोशिश करती है. उस समय वो Houthis को सप्रेस कर देते हैं, पर Houthis के हाथ में बागडोर वापस आती है 2011 में. 2004 में तो वो हार जाते हैं, पर 2011 में Houthis के पास बागडोर वापस तब आती है जब पूरी अरब स्प्रिंग के टाइम पे पूरा मिडिल ईस्ट में करप्शन के चांसेस बढ़ रहे थे. इन दैट इवेंट इवन अली अब्दुल्ला साले हैज टू रिजाइन, तो अली अब्दुल्ला साले रिजाइन कर लेते हैं. हाउएवर दिस रेजिग्नेशन डिडंट गो इन फेवर ऑफ Houthis, because however corrupt Abdullah Saleh was, he was basically us belong to Shia communities. लेकिन इसके बाद जो उनका प्रेसिडेंट बनता है, that was Mansoor Hadi. Now Mansoor Hadi is a Shia-backed, that Saudi-backed Sunni. तो इसमें सऊदी कंट्री की बैकिंग है और ना ही कम्युनिटी मैच कर रही है. That became the two reason कि Houthis were not happy in 2011 जब ये सारे changes हुए, जिसकी वजह से Houthis जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट काफी प्रोटेस्ट करने लगे. इस प्रोटेस्ट में सलेह ने भी उनका साथ दिया, जो कि फॉर्मल रिबेल थे. Houthis और सलेह एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते थे, बट अब इन दोनों का कॉमन एनिमी था Hadi. ना तो इन्हें सऊदी का इंटरफेरेंस पसंद था, और ना ही सुनी डोमिनेटेड Hadi कम्युनिटी की जो गवर्नमेंट थी वो पसंद थी. तो ये थी अब तक की कहानी. इसके बाद अब शुरू होता है कि अब रिसेंटली हुआ क्या. Now, these are the things we have known. अब जानते हैं कि एक्सटर्नल कंट्रीज, मतलब ये Houthis ने सऊदी अरेबिया पे क्यों अटैक किया. Now you need to understand this is an extension of the proxy war that goes in Middle East, जहां पे दो तीन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं. सबसे इंपॉर्टेंट है सऊदी अरेबिया, विच इज अ सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री. इसके बाद आपका ईरान आता है, विच इज अ शिया डोमिनेटेड कंट्री, और इनके बीच में अक्सर प्रोटेस्ट चलती है. बाकी जो आपके प्लेयर आते हैं वो इजराइल होते हैं, या फिर कोई और कंट्री होगी, या फिर इनको साथ देने वाले. नाउ इन दिस केस देयर इज सऊदी अरेबिया, ईरान, और पिक्चर में आपकी यमन आ जाती है. यमन बिकेम द फर्टाइल ग्राउंड फॉर दीज कंट्रीज टू इंटरवीन. नाउ Houthis वर कंसिडर एज ईरान के प्रॉक्सी, तो सऊदी अरेबिया ने इंटरवीन करना शुरू कर दिया. सो डिड यूएई.
इसी की वजह से क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया ने तो अटैक सऊदी अरेबिया का अटैक इसलिए था कि वो ईरान का प्रॉक्सी मानते थे, और इसीलिए जो आपके हुथीस हैं, हुथीस ने सऊदी अरेबिया पे काउंटर अटैक किया था विद मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, एंड सो डेट क्योंकि यूएई का इंटरवेंशन बढ़ रहा था यमन में, उसने अपनी फोर्स वगैरह भेजी थी, तो हुथीस काउंटर अटैक यूएई, इट इज कंसिडर एज एन काउंटर अटैक. So they said कि सऊदी अरेबिया एंड यूएई आर इंटरवीनिंग इन द पॉलिटिक्स ऑफ द यमन. अब यहाँ से कंसर्न क्या बढ़ जाते हैं, कंसर्न के लिए आपको थोड़ी मैपिंग समझनी होगी कि यमन इज अ वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री. अब यहाँ देखिए आप यमन, ये आपका यमन है और यहाँ आपका इस तरफ में आप देख सकते हैं कि ये आपका रेड सी एग्जिस्ट करता है यहाँ पे. यहाँ पे आपका बाबल अल मंडप है, इसको याद रखेंगे, यहीं से आपके मेजर ट्रेड होता है और ये आपका गल्फ ऑफ एडन है. तो आपके इंडिया से और आपकी बहुत सारी साउथ ईस्ट कंट्री से जो आपका ट्रेड है वो यहीं से बह के जाता है रेड सी से होके. ये आपका केप ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ध्यान रखिएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चार कंट्रीज आती है जिनको हम सीड कंट्रीज भी कहते हैं, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया एंड जिबूती. ये चार कंट्रीज हैं, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया एंड सोमालिया. इसको आप सीड से याद कर सकते हैं, सीड कंट्रीज ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्रीज. तो ये सीड कंट्रीज है यहाँ पे आपका ट्रेड जाता है. तो यमन की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है ट्रेड के परस्पेक्टिव से. दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न इसमें यह है कि आप देख सकते हैं मैप में किस तरीके से ना हुथी रेबल तो है ही, बट दिस काइंड ऑफ क्राइसिस हैज क्रिएटेड द अपॉर्चुनिटी फॉर द राइज ऑफ आईएसआईएस एंड अलकायदा. आप देखेंगे मैप में ये वो रीजन है जहां पे अलकायदा के बेसिस अब बढ़ चुके हैं. सो दिस इज अ कंसर्न, मेजर सिक्योरिटी कंसर्न फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज. तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, रेड सी और रेड गल्फ ऑफ एडन के बीच में आता है, अलकायदा और आईएसआईएस का राइज है और ये रीजनल कंफ्लिक्ट जो है उसको रिप्रेजेंट करता है. तो ये हमने समझ लिया ये हुथीस का कॉन्फ्लिक्ट क्या है और क्यों आता है. अब जानते हैं इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. इंडिया के लिए क्यों इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो यहाँ से हमारी ऑयल सिक्योरिटी हमारी मिलती है यमन से, दूसरा 8 मिलियन एक्सपैट्स वहां पे रहते हैं. दैट इज द रीजन फ्रॉम टाइम टू टाइम हमने काफी ऑपरेशन वहां पे किए हैं. जैसे आपका ऑपरेशन राहत हो गया, ये शायद 2015 का था, इसकी डेट जरा करेक्ट कर लीजिएगा, और एक आपका 2019 का ऑपरेशन निस्तार था. ऑपरेशन राहत में हम जब वहाँ कंफ्लिक्ट हुआ तो उन लोगों को बचाने के लिए, ये 2019 का ही होगा, कंफ्लिक्ट से लोगों को बचाने के लिए लाए थे. और ऑपरेशन निस्तार हम वहां पे जब साइक्लोन आया था तो साइक्लोन में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए किया था. अच्छा ध्यान रखिएगा ऑपरेशन निस्तार में यहाँ पे आपके यमन के नीचे सुकोत्रो आइलैंड है, ठीक है, यमन के नीचे यहाँ पे सुकोत्रो आइलैंड है, इस आइलैंड से हम वहां पे अपने इंडियंस को बचा के लेकर आए थे. आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई हो. इफ दैट इज द केस तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल दीजिए. थैंक यू सो मच. Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our Current Affairs classes.